दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की एक बेहतरीन पैसेंजर व्हीकल टाटा विंगर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसकी कीमत, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा विंगर एक ऐसा व्हीकल है जिसको कि आप ट्रैवल एजेंसी के अंदर या फिर इसको पैसेंजर वाहन के अंदर या फिर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। टाटा विंगर हमें 2021 मॉडल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहां पर दोस्तों आपको सामने की साइड में टाटा का लोगो मिलता है और ये पूरी की पूरी आपको यहां से लेकर के यहां तक की क्रोम फिनिश देखने के लिए मिलती है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको LED के साथ में आने वाले काफ़ी खूबसूरत इंडिकेटर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो पूरा सामने की साइड में आपको फ्रंट फेशिया जो है इसका फाइबर मटेरियल का दिया गया है ब्लैक कलर के साथ में, और यहीं पर आपको काफ़ी पावरफुल इसके अंदर हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाले हेडलाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों टाटा विंगर के अंदर अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये जो वाहन मेरे पास में खड़ा हुआ है इसके अंदर आप 13+1 यानी कि 14 लोग आराम से बैठ सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें दोस्तों तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट मिलता है, यहाँ पर आपको विंडो को खोलने का बंद करने का प्रावधान मिलता है और यहाँ से ड्राइवर की एंट्री होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे चाबी लगा करके आप अपनी गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। और ड्राइवर साइड की अगर कम्फर्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो दोस्तों डोर के ऊपर आप देख सकते हैं आपको तमाम सारे यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलते हैं जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, पानी की बोतल वगैरह है, एक मजबूत आपको यहाँ पर हैंडल मिलता है और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें सामने की साइड से, तो ड्राइवर को ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको नॉन स्किड एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि ऊपर आप आराम से चढ़ सकें, और यहीं पर आपकी जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। हेडरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा है और यहाँ पर हमें पावर स्टेयरिंग मिलता है इसके अंदर जिससे कि हम इजीली अपनी जो ड्राइविंग है उसको कर सकें। और इस गाड़ी को दोस्तों आप दिन और रात चलाएंगे अपने टूरिस्ट पर्पज़ के लिए तो आपको कभी भी यहाँ पर थकावट नहीं होने वाली है। टाटा का लोगो वाला स्टेयरिंग मिलता है, यहीं पर आपको हॉर्न वगैरह मिल जाता है। इस साइड में आपको मिलता है वाइपर के कंट्रोल वाला लीवर और राइट में मिलेगा आपको लाइट वगैरह के कंट्रोल लीवर। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले के ऊपर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। लेफ्ट में स्पीडोमीटर है, राइट में आपको RPM मीटर है, यहाँ बीच में आपको फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों विंगर के अंदर आपको इको बटन भी मिलता है, जब आप अपनी गाड़ी को कभी खाली वगैरह लेके जा रहे हो तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये बटन काफ़ी काम आता है। हेडलाइट का ऑन ऑफ का स्विच हो गया। और यहाँ की अगर बात करें दोस्तों तो ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर आपको ये कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर आप अपना म्यूजिक सिस्टम फिट करवा सकते हैं, रेडियो FM वगैरह है। यहाँ से आप अपनी बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्टली बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपनी हेडलाइट्स वगैरह है, हजार्ड लाइट है, और यहाँ पर आपको दो फास्ट चार्जिंग के USB पॉइंट मिलते हैं जिससे कि आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का हमें डील डॉल वाला काफ़ी मजबूत और सुंदर जो है इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, जहां पर आपको पॉकेट्स वगैरह मिलती हैं कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। सनवाइज़र आपको मिली जाता है, गाड़ी चलाते समय आप अपनी धूप वगैरह से बचाव कर सकें। यहां पर ऊपर आपको एक लाइट मिलती है जो कि वाइट कलर के साथ में आएगी जो कि आपकी रूम लाइट का काम करती है। और फ्रंट साइड में देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस भी मिलता है, दो लोग इधर बैठ सकते हैं और एक ड्राइवर, काफ़ी कंफर्टेबली बैठ करके हम अपनी गाड़ी को दिन रात चला सकते हैं। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है टाटा विंगर, जिसका एक इस तरह का छोटा सा प्यारा गियर शिफ्ट लीवर, जिसके अंदर दोस्तों एक अच्छी चीज़ है, जब आप अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको क्लच को प्रेस करके फिर रिवर्स करना होगा, तो ये एक जो है यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर है, सीट बेल्ट वगैरह है, वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये है इसका आगे का चैम्बर। तो दोस्तों ड्राइवर साइड की हमने बात कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको चाबी लगा करके लॉक करने का प्रोविजन मिलता है और कुछ इस तरह से हमारा जो है ये डोर यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी वाइड एंट्री मिलती है, हमारे पैसेंजर वगैरह को ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मजबूत आपको यहाँ पर फुट स्टेप भी मिलता है जिससे कि आप यहाँ पर चढ़ करके आराम से अपनी गाड़ी के अंदर एंट्री ले पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके पीछे वाले कंपार्टमेंट की, जहाँ पर आपको सिटिंग एरिया मिलता है। तो कुछ इस तरह के जो है यहाँ पर आपको हैंडल मिलेगा और यहाँ से आप अपने इसके जो है स्लाइडिंग डोर को ओपन कर पाते हैं इजीली। तो दोस्तों जैसे ही हम गाड़ी के इस डोर को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में जो रो आती है इसके अंदर 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। काफ़ी अच्छे कुशन मटेरियल के साथ में इन सीट्स का निर्माण किया गया है विंगर गाड़ी के अंदर। और पीछे वाले पैसेंजर को किस तरह से जाना है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो सीट है आपको यहाँ पर ये वाली सीट, इसको फोल्ड करने का प्रोविज़न होता है, तो कुछ इस तरह से हम अपनी इस सीट को इसको कुछ इस तरह से हम टिल्ट करते हैं। यहाँ पर लीवर मिलता है आपको और अंदर जा करके बताइए ज़रा, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर कुछ अंदर की साइड में जा पाते हैं। पीछे की साइड में अगर दोस्तों आप देखें तो पीछे वाली जो रो है वहाँ पर 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, 4 लोग आसानी से पीछे की साइड में बैठ सकते हैं
और लेग स्पेस वगैरह की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। साथ ही आगे की जो थर्ड वाली रो है इसके अंदर दो लोग उधर बैठ सकते हैं और एक व्यक्ति इस साइड में बैठ सकता है। ये जो पीछे गैंगवे दिया है बीच के अंदर, ये पीछे की साइड में जाने के लिए दिया गया है। अगर हम देखें सामने की साइड रूफ के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको कई जगह पे लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, इमरजेंसी के बटन्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, जिसको प्रेस करके पीछे वाले अगर लोगों को कभी कोई हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने ड्राइवर तक पहुँचा सकते हैं। तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर के साथ में विंगर जो है गाड़ी यहाँ पर आती है। साथ ही दोस्तों आपको सामने की साइड में इमरजेंसी एग्जिट मिलता है, जिसको कि ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आपको हैमर वगैरह की भी सुविधा दी गई है। तो इस तरह की है गाड़ी हमारी ओवरऑल जो है टाटा विंगर। आप इसका साइड लुक ले लीजिएगा एक बार, इस तरह का हमें जो है गाड़ी विंगर इस तरह की यहाँ पर हमें दिखाई देती है। दोस्तों इसको करते हैं हम बंद और अब हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ, जहाँ पर भी आपको जो है इसके अंदर एक और एंट्री मिलती है। साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है इसका डीजल फिल करने का पॉइंट, जिसके अंदर आप जो है लगभग 60 लीटर तक जो है डीजल फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम पीछे से देखें विंगर, तो हमें कुछ इस तरह की नज़र आती है, जहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलता है क्रोम फिनिश के साथ में। साथ ही आपको विंगर की नेमिंग मिल जाती है और यहाँ पर लगानी आपको चाबी, और चाबी लगाने के बाद में जो है आप इसके पीछे के बूट एरिया को यहाँ पर ओपन कर पाते हैं। दोस्तों आपको ज़्यादा तो नहीं, पीछे की साइड में कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर आपका स्पेयर व्हील जो है वो रखा हुआ मिल जाता है। हालांकि आप जब लगेज वगैरह लेके जा रहे होते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या आपको गेज वगैरह मिल ही जाते हैं कंपनी के द्वारा। जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दोस्तों अगर हम टायर सेक्शन की बात करें, तो टाटा विंगर आती है 15 इंची के बेहतरीन ट्यूबलेस टायर के साथ में। यहाँ पर फिलहाल इस गाड़ी के अंदर अपोलो के टायर लगे हुए हैं। साथ ही दोस्तों आगे की साइड में यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे मिलेंगे ड्रम ब्रेक, आगे मिलता है मैक पर्सन स्टर सस्पेंशन, और पीछे मिलता है आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन। चलिए दोस्तों इसके इंजन और इसके स्पेसिफिकेशन डिटेल के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों टाटा विंगर का जो इंजन है वो फ्रंट माउंटेड होता है। यहाँ पर जब भी हम अपने इंजन की जांच पड़ताल करना चाहें तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें अपने बोनट को खोलना होता है। यहाँ पर आपको BS6 टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला 4 सिलेंडर 2.2 लीटर का BS6 इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको LNT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर डेव वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस इंजन से दोस्तों अगर हम पावर की बात करें तो 100 HP का पावर जनरेट होता है और लगभग 200 Nm के आसपास का बेहतरीन हमें यहाँ पर टॉर्क भी मिल जाता है। दोस्तों टाटा विंगर के अंदर आपको यहाँ पर एमरॉन की बैटरी मिलती है, हालांकि ये जो है कभी कभी चेंज भी होती है, एक्साइड वगैरह की भी बैटरी आपको मिल सकती है, और इस तरह का जो है हमें यहाँ पर व्यवस्थित इंजन देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, सामने की साइड से जो है हम अपने इंजन की कभी भी जाँच पड़ताल यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। माइलेज की बात करें तो टाटा विंगर से आपको लगभग 13 से लेकर के 14 तक का माइलेज आसानी से मिल पाएगा। दोस्तों कीमतें मैंने आपको बताई दी हैं, 13,32,000 रुपये से इनकी कीमतें स्टार्ट होती हैं। आप टाटा विंगर को एयर कंडीशन वेरिएंट के अंदर भी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस गाड़ी से रिलेटेड तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने दे दी हैं। अगर आप इन गाड़ियों को ख़रीदना चाहते हैं और इंदौर या इंदौर के आसपास से मुझे देख रहे हैं, तो आप श्याम टाटा इंदौर में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। तो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।